हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग का यहाँ पे लास्ट डे है। आज हम लोग यहाँ से सैफई के लिए निकल रहे हैं अपने घर से। तो अभी जो है हम लोग मतलब रेडी हो गए हैं। मैं तो मतलब रेडी हो गई हूँ और आरू भी रेडी हो चुका है। सना अभी सोई है, उसको उठा के कपड़े पहनाने, ब्रश कराने, कपड़े पहनाने और फिर वैसे ही लेके चल चलेंगे उसको। और सना के पापा अभी नहा रहे हैं। और अभी जो है ना हम लोग अपने मतलब कि गार्डन से, वेजिटेबल गार्डन से, और ढेर सारी खूब सब्जियां मतलब हम लोग तोड़े हैं ले जाने के लिए, क्योंकि वहां पे प्योर वेजिटेबल्स तो मिलते नहीं हैं, तो इसीलिए हम लोग तोड़ लिए हैं। और वो अभी हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि मैंने क्या क्या तोड़ा है। तो ये सारे वेजिटेबल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये है अरबी का पत्ता, जो कि मतलब इससे गले में खुजली नहीं होती है, वो अरबी का पत्ता है, वो हम लोगों ने तोड़ लिया है। और ये एक तरह का साग है, मैंने पहले भी दिखाया है, ये साग है तो वो बिल्कुल फ्रेश है, वो हम लोगों ने तोड़ लिया है। और ये है कुरुंदुन, और ये थोड़ा सा छोटी वाली तोरई है, तो ये हम लोगों ने तोड़ लिया है। बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स है, प्योर मतलब गार्डन का, और ये हम लोग लेके जाएंगे। तो अभी जो है हम लोग गांव से बाहर निकल करके अपने लोकल मार्केट में पहुंच गए थे। तो रास्ते में हम लोगों ने सबसे पहले नारियल पानी पिया, और उसके बाद से नारियल का जो मलाई होता है वो बच्चे मतलब खाए, इन लोग को बहुत पसंद है, तो वो निकलवा के हम लोग दिए, तो दोनों खा रहे थे मिल करके। और फिर हम लोग रास्ते के लिए कुछ फ्रूट्स ले लिए, ताकि बहुत ही लंबा जर्नी है तो रास्ते में खाने के लिए बार बार गाड़ी रोक के हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। ये जलेबी जो है हम लोगों ने लिया है, ये उड़द के दाल की जलेबी है, और बहुत ही मतलब कि फेमस दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है, और ये जो है ना मतलब बहुत ही अच्छी है, टेस्टी है। तो अभी हम लोग हाईवे पे आ गए हैं, और मतलब आजमगढ़ में हाईवे पे पहुंच गए हैं, और हम लोग खा रहे हैं जलेबी, और आरू बनाना खा रहा है, और ये हमारा लग गया है पर्दा। यहाँ से धूप आ रही थी, खिड़की से धूप आ रही थी, तो हमने पर्दा लगा दिया है, मतलब कपड़ा डाल दिया है खिड़की पे। और इसके बाद से खाने के बाद फिर हम लोग, हम और आरू आराम से इसमें सोएंगे ना बेटू। हाँ, और सना आगे बैठी है अपने पापा के साथ, और सना ने जिम्मेदारी लिया है कि पापा को जगा के रखेगी, सोने नहीं देगी, नहीं तो पापा ड्राइव करते करते सोने लगते हैं। तो इसीलिए सना को मैंने आगे बैठा दिया है और बोल दिया है कि आप पापा से बात करते रहना, तो इसीलिए वो आगे बैठी है और हम लोग पीछे आ गए हैं। मजा आ रहा है मम्मा, गाड़ी तो हमारी बेडरूम ही बन जाएगी। हाँ, गाड़ी तो हमारी बेडरूम ही बन गई। हेलो गाइस, मैं अपनी गाड़ी में बेडरूम बना दिया हूँ, देखो दुपट्टे से, तौलिया से, मैं मंजे से सो रहा हूँ, बेडरूम बन गया हमारी गाड़ी। लगी है या फिर कुछ जलाया गया है क्या? तो अभी जो है रात हो गई है, 7:30 बज रहा है, और हम लोग जो है सैफई मतलब पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी मतलब यहां से जाने में हम लोग को रूम तक आधे घंटे लग जाएंगे। तो गाइस देखो, हम लोग सुबह चले थे और अभी मतलब कि 7 बज गए हैं, पूरा दिन हम लोग का मतलब गाड़ी में ही बीत गया। घर पहुंच गए हैं अपने हैं सैफई में, और अभी जो है मतलब 8:30 बजे ही हम लोग पहुंच गए थे, और अभी हम लोग नहा वहा के मतलब फ्रेश हो गए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो खाना हम लोग बाहर से लेके आए हैं, और एग रोल है, तो वो हम लोग खाएंगे, और उसके बाद से फिर सोएंगे, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल है, इस चिड़िया का स्कूल है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी सोएंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।